आज मोदी के गढ़ में होंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष, गुजरात के बारदोली में कार्यक्रम। यूथ कांग्रेस की विकास खोज यात्रा में शिरकत करेंगे राहुल गांधी, मोदी के विकास दावों की खोलेंगे पोल। करीब 50 दिनों से चल रही है विकास खोज यात्रा, बारदोली में आज समापन समारोह। 9 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी है विकास खोज यात्रा, तय हुए 500 किलोमीटर की दूरी। मोदी के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने किया था आयोजन, कई नेता कर चुके हैं शिरकत। आज गुवाहाटी में रैली करेंगे मोदी, बीजेपी ने किया 3 लाख लोगों के जुटने का दावा। गुवाहाटी रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 घेरे में होगी सिक्योरिटी। एनएसजी कमांडो के जिम्मे होगा मोदी की सुरक्षा का पहला घेरा, दूसरे और तीसरे घेरे में गुजरात और असम पुलिस। गुवाहाटी से पहले मणिपुर में भी मोदी की रैली, बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक मौका। गुवाहाटी रैली के बाद शाम में चेन्नई में मोदी की रैली, दक्षिण में लोकसभा प्रचार की शुरुआत। दिल्ली में लोकपाल को लेकर जंग जारी, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, उठाए नियत पर सवाल। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी में लिखा, आखिर उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से राय लेने में क्यों दिखाई जल्दबाजी। केजरीवाल ने एलजी को भेजी चिट्ठी में लिखा, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर कांग्रेस और गृह मंत्रालय का बहुत दबाव है। केजरीवाल ने एलजी को लिखा, आपने संविधान की कसम खाई है, किसी पार्टी या गृह मंत्रालय की वफादारी की नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी एलजी पर लगाया आरोप, आशुतोष बोले कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नजीब जान। बिजली पर खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनटीपीसी 26 मार्च तक बीएसईएस को देती रहे सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस को भी दिया आदेश, बकाया रकम में से 50 करोड़ का करे भुगतान। कोर्ट ने कहा 300 करोड़ रिलायंस के लिए बड़ी रकम नहीं, घाटा हो रहा हो तो करे दूसरा बिजनेस। बिजली कंपनियों को केजरीवाल की चेतावनी, कहा बिजली काटी तो दिल्ली से भगा देंगे। जनता की सेवा करो, हम आपकी जात की बात मानेंगे, लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे तो दिल्ली से भगा देंगे दूसरी कंपनी द्वारा। अलग तेलंगाना बनने का रास्ता हुआ साफ, संशोधनों के साथ बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। करीब 2 घंटे की माथापच्ची के बाद कैबिनेट ने बिल पर लगाई मुहर, सीमांध्र का समर्थन करने वाले मंत्रियों की मांग खारिज। 12 फरवरी को राज्यसभा में रखा जाएगा बिल, इसी सत्र में तेलंगाना बिल पास कराने की कोशिश करेगी सरकार, बिल के समर्थन में बीजेपी। खाप पंचायतों को लेकर कांग्रेस में भिड़ंत, हरियाणा के सीएम ने चिदम्बरम के बयान का किया खारिज, बोले एनजीओ की तरह काम करती है खाप पंचायतें। हुड्डा बोले हमारी संस्कृति का हिस्सा है खाप पंचायत, वित्त मंत्री चिदम्बरम ने की थी निंदा, कहा था नहीं है हमारी संस्कृति का हिस्सा। ममता बनर्जी को मिल सकता है अन्ना का साथ, लेकिन दीदी को देना होगा 17 मुद्दों पर राजी होने का शपथ पत्र। ने कहा अगर वो अपने एफिडेविट मांगा है उनसे, अगर वो एफिडेविट देती है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है। अन्ना ने सभी सियासी दलों को लिखी थी चिट्ठी, 17 मुद्दों पर अमल करने की दी थी नसीहत, सिर्फ ममता ने अन्ना को भेजा था जवाबी खत, कहा केंद्र में मिली सत्ता तो लागू करूंगी सभी मुद्दे। राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन पर राजस्व बोर्ड ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र, विधानसभा में उठा था सवाल।
राहुल गांधी पर योग गुरु रामदेव ने किया वार, बोले सीधे साधे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष लेकिन देश का पीएम बनने के लिए दिमाग की है कमी। साबिर खान का जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा, महिला डॉक्टर ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप, हो सकती है गिरफ्तारी। साबिर खान को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत तेज, बीजेपी और पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री के ISI के साथ रिश्तों को पुलिस ने किया खारिज, सीमा सुरक्षा बल ने मंत्री शाहिद अली खान पर लगाए थे संगीन इल्जाम। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत का OSD प्रदीप शुक्ला गिरफ्तार, व्यवसायिक शिक्षा परीक्षा मंडल घोटाले का आरोप। मुंबई के जोगेश्वरी में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, रिक्शा चलाने वाले हैं आरोपी, दो की गिरफ्तारी, एक फरार। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने किए चार शिकार, 11 ओवर में 64 रन देकर टीम इंडिया के पुछल्ले बल्लेबाजों को लौटाया पवेलियन। दूसरी पारी में टीम इंडिया का पलटवार, पहले ही सेशन में झटके 5 विकेट, 15 रन पर ही लौट गए न्यूजीलैंड के टॉप 4 बल्लेबाज। पहली पारी में शानदार 224 रन बनाने वाले ब्रैंडन मैकुलम दूसरी पारी में सस्ते में निपटे, महज 1 रन बनाकर हुए रन आउट। रूस से सोची में ओलंपिक विंटर का शानदार आगाज, आतिशबाजी से सज गया आसमान। ओलंपिक विंटर के लिए जमा हुए 40 देशों के प्रतिनिधि, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की खेलों की शुरुआत। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में लर्न टुडे लेक्चर का आयोजन, 5वीं गेस्ट लेक्चरर बनी HSBC बैंक की कंट्री हेड नैना लाल किदवाई। लर्न टुडे लेक्चर में नैना लाल किदवाई ने पढ़ाया इकोनॉमी का पाठ, कहा देश की नींव है छात्र। प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये तो काफ़ी में खुशी हुई है कि ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जहां बच्चे बड़ों के साथ होने पर भी उठकर इतने प्रश्न पूछते हैं और इतना समझ है उनको इकोनॉमिक इश्यूज पर। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन, नामी गिरामी कवि शामिल। मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, हजारों की तादाद में जुटे लोग।